हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पहुँचे हैं दिल्ली एडवेंचर आइसलैंड में। तो यहाँ पे आपको आगे चल के दिखाएंगे कि क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें देखने लायक है। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और आपको बता दें कि इस साइड पार्किंग है। तो यहाँ पे पार्किंग के 50 से 20 रुपए लगते हैं। तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं अपनी बाइक को, गाड़ी को। यहाँ पे हर प्रकार की पार्किंग आपको मिल जाएगी। और मैं बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे आओगे तो जो रिठाला मेट्रो स्टेशन है वो इसके जस्ट पास में लगता है, 700-800 मीटर की दूरी पे। तो आप यहाँ से पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप रिक्शा लेके भी आ सकते हैं। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि इस तरफ हम जाएंगे तो जो रनवे जो है यहाँ पे, जो रेस्टोरेंट है रनवे, जो फ्लाइट लगे हुए एयर के अंदर जो लोग खाना खाते हैं वो इस तरफ है। तो यहाँ पे हम इधर थोड़ा आपको चल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे देखने में लगता है। तो हम तो आए थे सनो सिटी के लिए, हम आगे सनो सिटी में जाएंगे वहाँ पे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। सोचा थोड़ा पहले इधर आपको घूम के दिखा दें। तो बहुत से लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट जगह, गर्मियों में आप यहाँ पे आके अच्छे से घूम सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ पे जो स्नो सिटी है उसका जो -10 डिग्री टेम्परेचर है उसके अंदर, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि सर्दियाँ आ रखी है। मतलब सर्दियों में भी इतना नहीं होता है उसके अंदर घुसते ही। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एडवेंचर आइसलैंड है उसके अंदर हम आए हुए हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि इधर खाने पीने की सभी व्यवस्था है। और यहाँ से आगे चल के आपको दिखाएं तो ये जो, तो यहाँ पे ये एफेल टावर आपको दिख रहा होगा। और ये जो पानी के अंदर राइडिंग होती है जैसे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। हमने की नहीं है क्योंकि हम खास तौर से सनो सिटी के लिए आए हुए थे, तो सोचा आपको तो दिखा दें। तो इधर आप बच्चों को, खुद भी बच्चों के साथ में बैठ के यहाँ राइड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और इसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये आपको मिलेगी। 100 रुपये के अंदर आप राइड कर सकते हैं, एक जन के लिए 100 रुपये है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। और इधर चल के हम आपको दिखा दें कि इधर आप जाओगे तो रनवे रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा इधर की साइड। तो हम उसके अंदर जाएंगे नहीं, बस आपको दिखाएंगे। ये आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अपने सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जो रनवे रेस्टोरेंट है वो आपको दिख जाएगा सामने, आप देख पा रहे होंगे कि रनवे रेस्टोरेंट है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। उसकी फ़ीस पता नहीं कितने, हमने पूछा नहीं क्योंकि हमें जाना था नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं कि लोग तो घूमने के लिए काफ़ी आए हुए हैं। गर्मी बहुत थी उस दिन इसलिए हम ज़्यादा आगे गए नहीं। तो आपको आगे आगे लेके चलते हैं जैसे कि यहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। आगे चल के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जगह आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं, चलिए आप हमारे साथ। तो ये है एडवेंचर आइसलैंड। और इधर भी बहुत अच्छे अच्छे जो पेंटिंग है, जो डेकोरेट है वो बहुत अच्छा अच्छा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेल्फियाँ आप ले सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ऐसे बहुत से वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं उधर की साइड, जो भूतिया बंगला हम बोलते हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आपको इसे एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आप चाहे जितना घूमो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और ये यहाँ पे टिकट एंट्री के 100 रुपये वो लिखे हुए हैं कि 100 रुपये एंट्री के हैं यहाँ पर रनवे रेस्टोरेंट के अंदर। और ये जो सनो सिटी है हम इसके अंदर जाने वाले हैं अभी, आप देख सकते हैं ये सनो सिटी है। और यहाँ से रास्ता है वो सनो सिटी आइसलैंड के लिए जाएगा। हम भी चलेंगे थोड़ी देर में, आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके। तो बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए थे, ये पूरा नज़ारा है यहाँ का आप देख सकते हैं। और इधर जैसे सेल्फी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, ये जो सनो सिटी आइसलैंड है यहाँ पे आपको टिकट वगैरह वो मिल जाएगी। तो यहाँ से टिकट लेके हम चलते हैं, टिकट वहाँ पर भी मिलता है लेकिन हमने यहाँ से ले लिया। तो ये रास्ता है पूरा स्नो सिटी जाने के लिए।
तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा रास्ता है, आप अंदर से भी जा सकते हैं। हम लोग बाहर से चले गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे देखने के लायक। तो चलिए चलते हैं अभी आइसलैंड के अंदर, और वहाँ का नज़ारा वो आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह गर्मियों के लिए, मतलब मनाली, जो लोग मनाली जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट जगह कि वो वहाँ जाके अफोर्ड नहीं कर पाते तो यहाँ आ सकते हैं। आगे हम जो टिकट वगैरह का चार्ज है वो भी आपको बताएंगे। तो हम सभी लोग निकल पड़े यहाँ से घूमने के लिए। तो अभी जाएंगे स्नो सिटी के अंदर, और यहाँ पर भी आपको टिकट है वो मिल जाएगी, लेकिन हम बाहर से टिकट है वो लेके आ चुके थे। और ये कुछ नज़ारा इसका इस प्रकार से रहेगा। 15 अगस्त आने वाला था, हम 15 अगस्त से थोड़ा पहले गए थे तो डेकोरेशन भी यहाँ पे की हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम टिकट ले आए थे, अभी इसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं और जो अंदर का नज़ारा वो आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप अंदर का नज़ारा आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 500 रुपये चार्ज रहेगा एक जन का टिकट का, बच्चों के लिए 400 रुपये रहने वाले हैं। और उस टिकट के अंदर ही आपको यहाँ पे जो कोट वगैरह है, शूज वगैरह वो सारा मिल जाएगा, अलग से आपका कोई चार्ज वो नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे अपने साइज़ के हिसाब से आपको जो है पहनने के लिए कोट वगैरह वो दे दिया जाएगा, और ये सारा 500 रुपये के अंदर ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने ले लिए हैं शूज़ वगैरह, और अपने जो कोट वगैरह हैं वो तो पहन भी लिए हैं, और अभी पहनते हैं हम शूज़। तो सभी लोग अपने अपने जो शूज़ वगैरह वो पहनने में हैं बिजी, और ये हमारे दो छोटे शैतान हैं साथ में जो रेडी हैं बिल्कुल, और अभी अपने आप में शैतानी कर रहे हैं। तो चलेंगे हम अभी आइसलैंड के अंदर, और वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि कितना टेम्परेचर है वहाँ पर। तो ये हमारे साथ दो छोटे शैतान थे, इन्होंने भी वीडियो की शुरुआत वो कर ली है। तो हम सब हो गए हैं तैयार, और अभी चलते हैं हम स्नो सिटी की तरफ। तो यहाँ पे जाने से पहले जो है कैमरामैन यहाँ पे खड़े रहते हैं, और वो आपकी सेल्फ़ी के लिए बोलते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो यहाँ पे सेल्फी है वो उनसे ले सकते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। तो ये हम घुस गए हैं आइसलैंड के अंदर, और आपको आगे चल के यहाँ का नज़ारा वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आते ही जो ठंड है वो लगने लगी थी बहुत ज़ोर से, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री के अंदर है। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके, और मतलब ऐसे जैसे यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे मनाली आ गए, वो बहुत अच्छा नज़ारा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ मिलने वाली है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे डीजे डांस मिलने वाला है, और जैसे ब्रिज है ऊपर वो पूरा हिलता है वो मिलने वाला है, जो स्लाइड करते हैं वो मिलने वाला है। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। फुटबॉल भी अंदर रखे हुए हैं, आप यहाँ पर फुटबॉल भी खेल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो आइस है वो ऐसे जमी हुई है, तो ये जो शूज़ हैं वो भी फिसलते हैं क्योंकि प्लास्टिक शूज़ रह गए, तो यहाँ पे फिसलने का कुछ ज़्यादा ही डर है वो रहता है। तो आपको दिखाएंगे। तो हम सब लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, और ये दो छोटे छोटे शैतान एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे थे, तो हम यहाँ पे करने लगे मस्ती, और यहाँ पर हम बैठ भी गए थे। बहुत अच्छा जो नज़ारा है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला। और ये जो बच्चे हैं, बच्चों को आप साथ में लेके आएंगे तो उनके भी अंदर जो खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आपको मिलेंगी। और उधर ट्रेन का लुक दिया गया है, जैसे लगता हो कि ट्रेन वहाँ से आ रही हो। तो हम अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा यहाँ का आप देख सकते हैं। और गुफा भी है इसके अंदर, आपको वो गुफा भी दिखाएंगे। बहुत अच्छी जगह है जो देखने के लिए यहाँ पे है। और ये इधर है स्लाइड, तो हम स्लाइड भी करके आपको दिखाएंगे। तो सभी लोग हैं अपने आप में बिजी, और ये इधर हम थोड़ा फ़ोटो वगैरह करवाने लगे, दिखा दे। तो उधर से ऐसे लग रहा है जैसे हम कश्मीर में हो और वहाँ से चल के आ रहे हो। तो बहुत अच्छा नज़ारा है, और ये जैसे आप स्लाइड करने के लिए जाओगे तो यहाँ से दिखेगा। और ये गुफा, आपको गुफा दिखाते हैं, बहुत अच्छी गुफा है, मतलब हम चल के जा सकते हैं पूरी, ऐसे नहीं कि झुक के जाना पड़े। तो ये हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं गुफा से,
और बहुत अच्छी गुफा है। यहाँ पे आपको आराम से चलना होगा क्योंकि फिसलने का डर रहता है, बर्फ जो है वो पूरी जमी हुई है, तो यहाँ से फिसल बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम सब आ गए हैं गुफा के अंदर, और अभी यहाँ से हम एक एक करके सभी लोग निकलेंगे। तो वो सब बच्चे लोग हैं, बहुत खुश हो रहे थे, सबको ठंड भी लग रही थी कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि वैसे लिमिट नहीं है 500 रुपये के, आप अंदर कितने भी देर रह सकते हैं, लेकिन इन लोगों को भी पता है कि 500 रुपये दे के आप 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा इसके अंदर रुक नहीं पाएंगे। तो आप इतना ही रुक सकते हैं, आप बच्चों को साथ में लेके जाएंगे तो सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको लगने वाली है, तो ज़्यादा देर वैसे भी नहीं रुकने वाले। और ये यहाँ से निकलने का रास्ता है गुफा से, तो हम यहाँ से भी निकलेंगे आपको दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले हमारे जो छोटू हैं वो निकल निकल के आए हैं, दो शैतान, और ये उसके बाद मैं आई हूँ, ये उसके बाद फ्रेंड्स आए हैं, और यहाँ पे जो भैया है वो फंस गए थे, उनसे निकला नहीं गया। तो आप देख सकते हैं निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा फिसलने का। तो अभी यहाँ पे हम करने लगे डीजे डांस, बच्चों ने भी खूब मस्ती की यहाँ पे, और आप यहाँ पे अपने मनपसंद का कोई भी गाना है वो लगवा सकते हैं, कोई भी बहुत अच्छा जो नज़ारा है यहाँ का देखने को मिलेगा। 500 रुपये के अंदर आपको क्या चाहिए, इतना कुछ जो डीजे है बना हुआ वो भी आइस का यहाँ पे बना हुआ है, तो अपनी पसंद से आप गाना लगवा के यहाँ पे जो वगैरह वो भी बना सकते हैं। सबसे मेन बात जो यहाँ पे फ़ोन है वो अलाउ है, आप यहाँ पे फ़ोन लेके जा सकते हैं, तो अपने वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं, रील्स वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे जो खेलने की व्यवस्था भी है, तो फुटबॉल यहाँ पे है, हमने फुटबॉल भी खेला, काफ़ी इंजॉय हमने यहाँ पे किया। और उसके बाद जो ठंड है वो बच्चों को लगने लगी और वो भी परेशान हो गए। तो आगे हम आपको दिखाएंगे ब्रिज का नज़ारा भी, कि ब्रिज है वो कैसे हिलता है यहाँ पर। तो बच्चे हैं वो आइस के अंदर खेल रहे हैं, और जो यहाँ पे जो आइस है वो काफ़ी ऐसे जम चुकी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए खुले हुए और लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा फिसलने का डर, आप ध्यान से चलिए। और ये यहाँ पे जो है एग्जिट का ऑप्शन है, तो बच्चों को ठंड लगने लगी, हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए तो वापस से हम आ गए, और यहाँ पे हमने तार दिए हैं अपने कपड़े शूज वगैरह, और अभी हम बाहर यहाँ से निकलेंगे। तो ये था हमारा पूरा एडवेंचर आइसलैंड का जो पूरा टूर। तो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये पूरा स्नो सिटी का नज़ारा गाइस, ये था दिल्ली रोहिणी सेक्टर में आइसलैंड जो आपको हमने घुमाया। ब्लॉग आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा, सारी चीज़ें जो अंदर हो रही थी वो सारी एक्टिविटी हमने आपको दिखाई, आपको ब्लॉग कैसा लगा वो नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।